हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ। सो 6 साल हो गए हैं जीएसटी के लॉन्च हुए, और उसी के खुशी में जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो वो डिस्काउंट किया है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, और सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के जो टैक्स हैं उस पर जो है वो डिस्काउंट मिला है, उस पर बहुत ही अच्छा जो है वो टैक्स कट मिला है, और वो है स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स पे जो है वो टैक्स सबसे ज़्यादा कम किया गया है, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी जो है वो टैक्स कम किए गए हैं। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आपको जो है वो टैक्सेस जो पहले मिलते थे 31.1%, ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस जिस पे बढ़ाए गए थे, उनको जो है वो भी बहुत ही अच्छे से जो है वो कट किया गया है, और प्राइसेस जो है अब आगे आने वाले फ्यूचर में जो स्मार्टफोन्स होंगे उन सभी का प्राइस कम होने वाला है। सो मे बी आपको आईफोन 14 के बाद 15 जो आने वाला है उस पे आपको प्राइसेस कम देखने को मिले, क्योंकि टैक्स जो है वो कम किया गया है स्मार्टफोन्स पे बहुत ज़्यादा। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स है जिसपे आपको टैक्स कम देखने को मिल रहा है। सो टीवी जो भी आते हैं टीवीज, उस पर आपको अप टू 27 इंचेस के हैं जो टीवीज आते हैं उस पर 31.3% जो वो टैक्स लगता था, बट अब आपको जो है वो 18% टैक्स देना होगा। रेफ्रिजरेटर पे 31.3%, उस पर अब हो चुका है 18%। वॉशिंग मशीन पे भी 31.3% था जिसको अब कर दिया गया है 18%। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे मिक्सर ग्राइंडर जूसर वैक्यूम क्लीनर ETC, उन सभी का भी जो है वो टैक्स रखा गया था 31.3%, और अब उसका हो गया है 18%। गीजर फैन कूलर, उसको भी 31.3% पे रखा गया था, बट अभी उसको कम कर 18% रखा गया है। LPG स्टोव को 21% रखा गया था, उसको अब 18 कर दिया गया है, और LED का 15% 12% पे आ चुका है। स्विंग मशीन जो आता है उस पर आपको 16% लगता था टैक्स, बट अभी जो है वो GST कम करके 12% रखा गया है। और यहाँ पे आपको स्टैटिक कन्वर्टर UPS जो आता है उसका टैक्स रखा गया था 28%, और अभी उसका रखा गया है 18%। और केरोसिन प्रेशर लालटेन जो आते हैं उसका रखा गया है 8%, जो अब हो गया है 5% पे। वैक्यूम फ्लक्स और वैक्यूम वेसल्स जो भी आते हैं उनमें आपको 28% का टैक्स पे करना होता था, बट अभी उसको रखा गया है 18%। मोबाइल फोन्स जो आते हैं उस पर रखा गया था उसका जो टैक्स है वो ज़्यादा रखा गया था 31.3%, बट अभी उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स कम किया गया है, और उसका जो टैक्स अभी लगने वाला है वो है 12%। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं 12% पे जो है वो फोन्स आ चुके हैं, तो फोन का जो पहले टैक्स फोन पे आता था वो 31.1% था, तो बहुत ज्यादा टैक्स लगता था उस पर, बट उसको भी कम कर सीधे 12% पे लाया गया है। सो गाइस, अगर आपको स्मार्टफोन्स परचेस करना है तो आगे आने वाले जो भी स्मार्टफोन्स आने वाले हैं उस पर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट जो बहुत ही कम रखने वाली है, तो और प्राइस जो है वो कम होकर बहुत सारे फोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।